भदोही की आवाज आपके साथ। नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिथिलेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भदोही की बात। भदोही की बात में देखिए ये खास खबर। यलन कोचिंग वाराणसी के छात्र कृष्णांशु ने इतिहास रच दिया है। नेट परीक्षा 2020 में कृष्णांशु ने सामान्य कैटेगरी में 53वां स्थान हासिल करके यलन कोचिंग के साथ यलन के डायरेक्टर अरुण जैन और उनकी पूरी टीम का मान सम्मान बढ़ाया है। देखिए यह रिपोर्ट। मेरा नाम अरुण तिवारी है, मैं डायरेक्टर हूँ यलन कोचिंग वाराणसी में, लेकिन मेरा मूल निवास है नारे पार पैगहाँ भदोही जिला में, जो पड़ता है भदोही डिस्ट्रिक्ट में। मेरा एक स्टूडेंट अभी है कृष्णांशु तवर, उसने ऑल इंडिया में 53 रैंक आई है जो कि, और 705 नंबर 720 में से 705 नंबर उन्होंने पाया हुआ है जो कि पूरे बनारस में क्या पूरे यूपी में हाईएस्ट नंबर है अब तक का। अभी तक जो लास्ट ईयर 701 नंबर हाईएस्ट था, इस बार 705 नंबर हाईएस्ट है जो कि हमारे स्टूडेंट का है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ भदोही कराने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच के, क्योंकि मैं पूरे भदोही को अपना परिवार का ही मानता हूँ क्योंकि मैं यहाँ खुद यहीं कराने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी गार्जियन जो हैं, जो अभिभावक हैं, वह बच्चे को प्रेरित करें पढ़ाई के लिए। अगर आप एजुकेशन में उसको अच्छा करते हैं तो आगे भी अच्छा करेंगे, और मेरा ये दृढ़ संकल्प है कि मैं भदोही को बहुत एक अच्छे मुकाम तक ले जाऊंगा, लेकिन इसमें आपका साथ चाहिए। मेरा ये मानना है कि कृष्णांशु की तरह और भी बच्चे हो सकते हैं, बस उनको मौका मिलना चाहिए। मौका मिलेगा तो जरूर आपको प्रूव करके दिखाएंगे। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मेरा नाम कृष्णांशु तवर है। मैंने नीट 2020 एग्जाम में 705 मार्क्स सिक्योर किए हैं और ऑल इंडिया रैंक 53 है, और मैं अपनी सफलता का श्रेय श्री अरुण सर, श्री नागेन सर, श्री ब्रजेश सर और श्री शशिकांत सर जो कि L1 कोचिंग के डायरेक्टर हैं और यहाँ पे टीचर्स हैं, उनको मैं देना चाहूँगा। और साथ ही मेरी सफलता का श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्तों को देना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आप सबको मोटिवेट करने के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसा जो स्कोर मैंने प्राप्त किया है वो आप भी डिज़र्व करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप सही से मोटिवेटेड रह के पढ़ाई करें। ओके, चरण चूम लेती है चलकर के मंजिल मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, यह पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं यलवन कोचिंग के जरिए सफलता का परचम लहराने वाले उस कृष्णांशु के लिए जिसने नेट परीक्षा 2020 में ऑल इंडिया रैंक में जनरल कैटेगरी में 53वां स्थान हासिल किया है, जबकि यूपी में वो टॉपर स्टूडेंट बना है। कृष्णांशु की शुरुआत होती है L1 कोचिंग से, जहां मार्गदर्शन मिलता है अरुण तिवारी सर का। अरुण तिवारी जन्नी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी भदोही की माटी के लाल अरुण तिवारी और उनकी टीम के कमाल ने इतिहास रच दिया है। हम बात कर रहे हैं भदोही जिले के नारे पार पैगहा गांव निवासी अरुण तिवारी के बारे में। अरुण तिवारी एक सामान्य परिवार से, लेकिन भदोही के प्रति उनकी सोच ने सफलता का जो परचम लहराया है उसने एक संदेश दिया है भदोही की जनता को, भदोही के उन अभिभावकों को जो सामान्य परिवारों के हैं, उनके उन छात्रों के लिए जिनकी सोच में कभी कभी बाधाएं उत्पन्न होती रही हैं। ऐसे अरुण तिवारी ने सफलता का जो परचम लहराया है, करीब 200 से अधिक छात्र और सफलता 163 छात्रों को मिली, जिसमें कई ऐसे छात्र रहे हैं जिनकी संख्या 100 के पार है, वो 15,000 के अंदर की रैंक में हैं। ये L1 का एक बड़ी सफलता ही नहीं बल्कि भदोही के उस लाल की टीम का कमाल भी है जिसने पूर्वांचल के काशी, पूर्वांचल की राजधानी काशी को सफलता का
एक ऐसा मुकाम दिया पूर्वांचल की राजधानी काशी को, शिक्षा का ऐसा केंद्र बनाया जिसके बारे में कहा जाता है महामना मदन मोहन मालवीय का नाम आ जाता है, बीएचयू याद आ जाता है काशी के बारे में। उसके बारे में जो अरुण तिवारी ने एक इतिहास रचा है वो भदोही के हर एक अभिभावक हर एक छात्र के लिए एक मार्गदर्शन भी है, एक रास्ता भी है। निसंदेह बहुत सारे लोगों को रास्ता भी इससे मिलेगा, और वो परिवार जो बिल्कुल सोच नहीं सकते हैं नेट के बारे में, तैयारी के बारे में, जो अपने बच्चों को प्रयागराज कोटा या अन्य कहीं नहीं भेज सकते हैं, वो यलवन, क्योंकि यलवन ने जो इतिहास रचा है कोटा को लोग भुला बैठे हैं। अरुण तिवारी के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि अरुण तिवारी अपने आप में स्वयं एक इतिहास लिख रहे हैं। ऐसे वीर योद्धा के बारे में जो शिक्षा जगत का वीर योद्धा अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। अरुण तिवारी को हम आपसे इसलिए रूबरू करा रहे हैं, इसलिए मिलवा रहे हैं, भदोही के इस भविष्य ने एक इतिहास लिखा है, एक इतिहास लिखने की राह की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लोग जानते हैं, मैं भी थोड़ा सा परिचित हूं, लेकिन जितना परिचित हूं ऐसे अरुण तिवारी को बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि अरुण तिवारी शिक्षा के क्षेत्र में जो अलख जगा रहे हैं वो कम से कम भदोही की जनता, काशी की जनता और पूर्वांचल की जनता तो सदियों तक याद रखेगी। फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, और ऐसी खबर के साथ जो सिर्फ खबर ही नहीं होगी बल्कि आपके लिए एक संदेश भी होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।